नमस्कार। आप सबकी कुशलता चाहते हैं। होप ऑल इज़ वेल। आप सबके साथ आपका हेल्थ अच्छा रहे। और इसके साथ आज हम एक नया प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, गोचर ट्रांजिट का प्रेडिक्शन। ये आपको जन्म कुंडली एनालाइज करने के अंदर आपको बहुत सहायभूत होने वाला है। तो प्रेडिक्शन यह है कि जन्म के राहु के ऊपर से प्रत्येक ग्रहों का जो भ्रमण है, सूर्य से लेकर राहु केतु तक का, कैसा फल देंगे। जन्म के राहु के ऊपर से गोचर ट्रांजिट के ग्रहों का भ्रमण कैसा होगा। एक्स फॉर एग्जांपल, कोई जातक का राहु धनु राशि के अंदर है तो नेक्स्ट ट्रांजिट 16 दिसंबर को सूर्य जो है वो धनु राशि के अंदर आने वाले हैं। तो ये सूर्य जातक को कैसा फल देंगे। हालांकि ग्रहों का जो इफेक्ट है वो हम दो प्रकार से देखते हैं। जनरली ज़्यादातर लोग चंद्र से ही देखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो ग्रहों का इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट होता है वो सूर्य से होता है। और चंद्र से, सूर्य से फिजिकल इफेक्ट होता है, चंद्र से जो इफेक्ट होता है वो मानसिक इफेक्ट होता है। तो जिनके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में होते हैं इनको तो ग्रहों का बहुत ज़्यादा असर होता है। जो ये अच्छा होता है तो आसमान में चढ़ जाते हैं, और जी जो खराब समय होता है तो फिर इसको डाउन टू अर्थ नहीं बोलेंगे, इसको बिलो अर्थ खाई के अंदर ले जाते हैं। तो इनके लिए जो सूर्य चंद्र दोनों के साथ में होते हैं, इनके लिए जो है बीच वाला रास्ता नहीं है। या तो आप अपसाइड जाओ या तो फिर आप नीचे जाओ, मतलब ग्रहों का इस प्रकार से इफेक्ट होता है। तो आज का ये प्रेडिक्शन है, सूर्य ग्रह राहु के ऊपर से कैसा फल देंगे, राहु जन्म के राहु के ऊपर से सूर्य का फल क्या होगा। जन्म के राहु के ऊपर से सूर्य जो है, ये खास करके जो कोई भी जातक के जन्म के राहु के ऊपर से सूर्य का फल होगा, भ्रमण होगा, वो उनको फॉरेन लैंड से बेनिफिट करवाएंगे, एब्रॉड रिलेशन, एब्रॉड कनेक्शन से बेनिफिट करवाएंगे। क्योंकि राहु माने फॉरेन लैंड, विजातीय व्यक्ति, दूसरी धर्म के लोग, मतलब जो जो अपनी कास्ट के अंदर जन्म नहीं हुआ है लेकिन अदर कास्ट हैं, उनकी ओर से फॉरेन लैंड से ऐसे बेनिफिट करवाएंगे। तो राहु के ऊपर से चंद्र का भ्रमण क्या होगा। जब राहु गोचर ट्रांजिट के अंदर चंद्र हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कोई जातक का जन्म का राहु धनु राशि के अंदर है तो अब चंद्र धनु राशि में एंटर करेंगे तो उसको क्या फल देंगे, तो इसकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब कर देंगे। क्योंकि गोचर ट्रांजिट में ये ग्रहण योग बनाएंगे, जन्म के राहु के ऊपर से चंद्र का जो भ्रमण है वो मानसिक स्थिति को विचलित कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके साथ साथ कोई स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिसीज भी उन समय के दरमियान महसूस हो सकता है। तो गोचर ट्रांजिट के अंदर जन्म के राहु के ऊपर से बुध का भ्रमण क्या फल देगा, एक्सीलेंट फल देगा। ये आपका जो समझो कि अभी राहु, जिनका जन्म का राहु धनु राशि के अंदर है और आज से ही बुध का जो ट्रांजिट है सुबह धनु राशि के अंदर मूला नक्षत्र में भ्रमण शुरू किया है, तो राहु और बुध जो है ये गाढ़ मित्र हैं, अति मित्र हैं। तो ये जो फल है राहु, जन्म के राहु के ऊपर से बुध का जो फल है वो एक्सीलेंट होगा। ऐसे जातकों का कम्युनिकेशन स्किल खुलेगा, आइडियोलॉजी इम्प्रूव होगी, लॉजिक इम्प्रूव होगा, कैलकुलेशन इनका सही जाएगा, तो एक्सीलेंट फल देंगे जब राहु के ऊपर से बुध का भ्रमण होगा।
जन्म के राहु के ऊपर से गुरु का भ्रमण होगा तो क्या होगा? अब जो गुरु है वो देव ग्रह है और जो राहु है वो दानव ग्रह है। हालांकि गुरु तारा चक्र के हिसाब से गुरु के लिए राहु अति मित्र ग्रह है और राहु के लिए गुरु संपत्ति देने वाले हैं। फिर भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिज्म के बीच इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन आंतरिक विरोधाभास हो सकता है। जन्म के राहु के ऊपर से शुक्र का भ्रमण क्या फल देगा? राहु के ऊपर से शुक्र का फल एक्सीलेंट है। दोनों फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के कारक हैं तो इस समय के दरमियान ऐसे जातकों की जो दौड़ है वो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के लिए ज्यादा रहेगी। तो राहु के ऊपर से शनि का भ्रमण क्या फल देगा? अब राहु जो है वो दानव ग्रह है और शनि को फॉलो करने वाला ग्रह है। अब जब राहु के ऊपर शनि आ जाते हैं तो थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी रहती है और खास करके शनि है वो हर कार्य स्लो कर देते हैं और खास करके जो कोई भी जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट या तो एब्रॉड से कुछ काम करते हैं तो उनको हर कार्य धीमी गति से होगा, विलंब से होगा। और जन्म के राहु के ऊपर से राहु का भ्रमण क्या फल देगा? तो राहु के ऊपर से राहु जब जाते हैं तो एक्सीलेंट फल देंगे। और जन्म की राहु के ऊपर से केतु जाएंगे तो क्या फल देंगे? तो ये कुछ चेंजेस करवाएंगे और जो चेंज है वो थोड़ा सा माइंड में एब्सॉर्ब ना हो इस प्रकार का भी हो सकता है। तो इस प्रिडिक्शन को आप अपने कुंडली के हिसाब से आप देखिए कि आपके राहु के ऊपर से जब या तो गोचर ट्रांजिट के अंदर ये जो ट्रांजिट होती है ग्रहों की तो आपको कैसा इफेक्ट लगता है इस प्रिडिक्शन का। यदि आप कुछ नया और भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। नमस्कार। जय गणेश। जय श्री द्वारकाधीश।